अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें बड़ी खबरों की ओर सीधे रुक करते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। राजस्थान के जयपुर के अंदर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है राजस्थान में भजनलाल सरकार। आपको बता दें कि अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर अब राजस्थान के जयपुर में है। तो अब जहां जहां डबल इंजन की सरकार वहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई, देख डोजर चलाया गया और लोग स्वयं ही अपने निर्माण हटा रहे हैं। आप देख रहे हैं आगे जेसीबी देख रहे हैं, लोग अपने खुद के स्तर पर जेसीबियां लगा रखी हैं और खुद क्लियर कर रहे हैं रोड। कुछ जगह कोर्ट का स्टे का भी लगा रखा है। हाँ, 18-19 प्रकरण ऐसे हैं जहाँ कोर्ट का स्टे है, तो माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से पैरवी करके और उन स्टे को हटवा के और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये रोड 100 फीट इसकी चौड़ाई है, तो उसको 100 फीट पूरी चौड़ी करेंगे और शाम तक हमारा उम्मीद है कि शाम तक इसको काफ़ी 80% तक इसको खत्म करें। कितने निर्माण हटाने का है आज? इसमें आज लगभग 200 निर्माण थे, कल हमने जितने हटाए उसके बाद 201 निर्माण बाकी थे, तो उम्मीद है कि 150 से 200 के बीच में आज हटाएं। थोड़ा बहुत विरोध है तो उनको शांत किया जा रहा है, समझाइश से काम चल रहा है शांति। हाँ, मलबा हटाने का काम साथ साथ चल रहा है, पीछे से मलबा हटा रहे हैं, ट्रक ना लगा रखा है। देख लीजिए तस्वीरें, जयपुर से तस्वीरें, क्योंकि अब आप देखेंगे ना केवल उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश और अब राजस्थान से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सरकारी जमीन पर किसी भी तरह से अगर अवैध निर्माण किया गया है तो अब सख्ती से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वह की जा रही है। अब ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं राजस्थान से, जहां पर अब भजनलाल सरकार जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। जयपुर में आप देखिए कि अवैध रूप से जो ये कब्जा किया गया था